ये जी बारिश के कतरे आना शुरू हो गए हैं अभी मदरसे की हमने छुट्टी कर दी है, बच्चे चले गए, बारिश जो यहाँ पर भी बरसनी शुरू हो गई है। बारिश हो और चाय हो फिर तो चाय का अपना ही मज़ा है माशाल्लाह। देखें जी अभी बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जी अभी बारिश भी हो रही है तेज, हल्की फुल्की है लेकिन हो रही है। फिर से जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो हम कराची के बिल्कुल ही नज़दीक हैं, उसी वजह से कराची में बारिश हो गई तो यहाँ पर भी हो गई। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल जो है उस जावल में भी हुआ था बारिश बहुत, अभी यहाँ पर भी हो रही है। रात को भी लाइट जो है वो नहीं थी और अभी तो वैसे भी बारिश है तो अभी लाइट का आना फिर से मुश्किल है, महाल है। अभी बारिश आपको दिखा दूं, वो तो हल्की हल्की रही है लेकिन सर्दी बहुत है भाई। सुबह में गया हूँ, मेरे रब को पता है और मुझे पता है कि कितनी सर्दी थी, मैंने महसूस किया था। ये देखें जी अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं लेकिन देखें ऐसे लग रहा है जैसे फजर का टाइम अभी ख़त्म हुआ हो, बारिश की वजह से ये हाल है। ये बच्चों ने गिरा दिया है। खैर अभी चलते हैं मस्जिद की जानिब, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पर पता नहीं क्या निकल गया है, ये पता नहीं क्या दरख्त है। बारिश को भी तकरीबन 2 घंटे तो हो गए हैं, देखें किस तरह इसकी बूंदाबांदी हो रही है। अभी बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मैं आया हूँ खेतों पर क्योंकि इनकी देखभाल भी करनी है, तो देखभाल के इरादे से ही आया हूँ यहाँ पर खड़े जी। दुआ करें बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि लाइट का आना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल में चार्जिंग तो बिल्कुल है नहीं रहा। बस मेरे साथ मेरा कैमरामैन देखे जी अख्तर, बारिश में इसको बुखार हो गया है। और दूसरी बात ज़मीन देखें जी हमारी किस तरह भीग चुकी है, ये देखें सुबह बिल्कुल सूखी हुई थी अभी बिल्कुल भीग चुकी है। ये देखें यहाँ पर बारिश जो है अभी तक हो रही है और सालन और खाना तैयार है अभी इंशाल्लाह। ये मुर्गी है और ये हमारे जी रोटी भी आ गई है, बारिश अभी हो रही है, एक बज चुका है, आज दूसरा दिन है तब जाके बारिश जो है वो रुका है। और अभी फिर से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, मैं याकू और ये अपना क्या नाम है आपका, दिलदार मन दिलबर। अच्छा सुबह सुबह देखें जी अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है और ये सूरत हाल है यहाँ का 9 बजे। और फसल जो है वो माशाल्लाह इनके रेट बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, कब तक ये तैयार होते हैं, तब तक रेट बाकी रहेगा या नहीं, ये अल्लाह पर ही हम तवक्कल रख रहे हैं। यकीन करें आज भी इतनी सर्दी है और बच्चे वह देखो जी सामने खेल रहे हैं हमारे अज़र उज़ैर वाले सारे। अभी जाने को तो दिल नहीं कर रहा वहाँ पर क्योंकि हो सकता है कल की तरह आज फिर से बारिश ना हो जाए, लेकिन ये बच्चे आए इनको तो वापस नहीं भेजना चाहिए। खैर अभी जाता हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला करम फरमाए बारिश ना हो, वरना आपको पता है फिर आना यहाँ से मुश्किल हो जाए। देखें ये रास्ते किस तरह के हो गए हैं और सूरज देखें कहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक वो धुंध जो है वो ज़मीन पर छाई हुई है। वहाँ पर भी जी यही सूरत हाल है, मदरसे हम पहुँच चुके हैं, ये है जी मदरसा, ये आपको अभी ये मस्जिद है इनका, अभी तक वही सूरत हाल है। अभी जोहर की नमाज का वक़्त है और खाना वगैरह हमने खा लिया है तो आज थोड़ा बहुत धूप जो है निकल चुका है, बाहर बाइक अंदर जगह नहीं है यहाँ से जाने के, तो ये कीचड़ है।
और घर में भी कीचड़ है गांव में, ये यहाँ पर भी पानी जमा हो गया है। तो अभी मदरसे की पढ़ाई भी करनी है क्योंकि अभी धूप देखें, ये मेरा साया नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पड़े हुए थे इनके ये कांटेदार दरख्त पड़े हुए थे, लेकिन ये पड़े हुए हैं, ये भी हैं और वो भी हैं, ये यहाँ पर पड़े हुए थे रात को, तो अभी इनको एक साइड पे कर दिया है। बारिशों में सबसे ज़्यादा जानवरों को नुकसान होता है, देखें जी किस तरह पायर, हाँ व्लॉगिंग खाएँ। तो मैंने पोज इसलिए किया था क्योंकि ये सामने देखे पता नहीं कौन आए हुए, और मस्जिद का स्पीकर जी हमने यहीं पर लगा हुआ है, ये आपको जो नज़र आ रहा है। अभी जी शाम का टाइम है और धुंध जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो धुंध पहले आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी कितना, 4 बजे का टाइम है और अभी तक यही धुंध छाया हुआ है। मदरसे की हमने छुट्टी कर दी अभी पढ़ाई ख़त्म करके, के साथ आज का व्लॉग जी करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।